दोस्तों देश में लोकसभा चुनाव जारी हैं और 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और 4 जून 2024 को नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। हालांकि चुनावी नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से वापसी करने की भविष्यवाणी हो रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इन बड़े फैसलों में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना भी शामिल है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार 303 सीट के साथ बहुमत से आ सकती है और सत्ता में आने के बाद सरकार सबसे पहला काम राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कटौती करने का काम कर सकती है। मतलब केंद्र कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जिससे राज्यों के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा कदम पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाना हो सकता है। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है और इस बार सरकार के 100 दिन के एजेंडे में भी इसे शामिल किया गया है। दोस्तों राज्यों के पास फिलहाल राजस्व के 3 सबसे बड़े प्रमुख स्रोत हैं और इनमें पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा शराब और भूमि शामिल है। ऐसे में अगर मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला करती है तो फिर राज्यों के राजस्व में कमी देखने को मिल सकती है और वहीं दूसरी ओर केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों का और भी ज्यादा कंट्रोल होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो इनके दामों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों अगर पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम मौजूदा कीमत से काफी कम हो सकते हैं, यानी इस फैसले से राज्य की कमाई पर असर तो देखने को मिल सकता है। हालांकि जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी के दायरे में आने के बाद राज्यों का वैट टैक्स खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसे में जो पैसा राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स के जरिए सीधे मिल जाता था अब वो केंद्र के पास जाएगा और फिर वहां से राज्यों को मिलेगा। दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार आपस में कितना टैक्स वसूल करते हैं इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए मई 2023 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 94.72 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। इसमें 35 रुपए के आसपास टैक्स शामिल होता है जिसमें करीब 20 रुपए केंद्र सरकार के खाते में पहुंचता है और लगभग 15 रुपए राज्य सरकार के पास पहुंचता है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम राज्यों में अलग अलग होते हैं और ये इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से वैट टैक्स लगाकर कमाई करती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 31%, कर्नाटक में 25.92%, महाराष्ट्र में 25% और झारखंड में पेट्रोल पर 22% के करीब वैट टैक्स वसूला जाता है। वहीं डीजल की बात करें तो इस पर आंध्र प्रदेश में 22%, छत्तीसगढ़ में 23%, झारखंड में 22% और महाराष्ट्र में 21% वैट टैक्स लगता है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इसकी वसूली की जाती है और सरकारों की कमाई होती है। इस हिसाब से देखें तो वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर सरकारें 50% से भी ज्यादा टैक्स वसूलती हैं। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इस पर भारी भरकम टैक्स की छुट्टी हो जाएगी और जीएसटी के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा और सरकार अधिकतम 28% की दर से टैक्स ही लगा सकती है, यानी टैक्स घटेगा और पेट्रोल डीजल के दाम एकदम से काफी कम हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पूरी बाजी केंद्र सरकार के हाथ में होगी। दोस्तों अगर केंद्र पेट्रोल पर अधिकतम 28% जीएसटी भी लगाती है तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए के आसपास होगी। दरअसल एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स मिलाकर राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए चल रही है। दोस्तों जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल के आने के बाद जहां आम लोगों को फायदा होगा और उनका खर्च घटेगा तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की कमाई भी कम होगी क्योंकि जीएसटी के तहत अधिकतम टैक्स स्लैब 28% है। ऐसे में सरकार ऐसा भी कर सकती है कि पेट्रोल और डीजल के लिए जीएसटी के स्लैब में कुछ संशोधन करे और अलग से स्लैब बना दिया जाए जो 28% से ज्यादा का हो। इस तरह से सरकार टैक्स के जरिए होने वाली इनकम में आने वाली कमी की भरपाई कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।